छिंसर विधायक हनुमान बेनीवाल इन दिनों 10 जून को सीकर जिला मुख्यालय में होने वाले किसान हुंकार रैली को सफल बनाने और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने के मकसद से जनसंपर्क अभियान पर हैं। इसी सिलसिले में वे मंगलवार को नीम का थाना पहुंचे। विधायक ने कहा कि सीकर में हुंकार रैली करके राजधानी में महा हुंकार रैली कर तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य में किसान मजदूर सहित 36 कौमों को साथ लेकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। विधायक ने कहा कि देश के 70 सालों में भाजपा कांग्रेस पार्टियों ने 5-5 साल राज करते रहे हैं, ऐसे में राज्य के किसानों की हो रही दुर्दशा को दरकिनार किया जा रहा है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर सरकार खिलवाड़ करती रही है। बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार शेखावटी में खनन गिरोह सक्रिय कराकर अरावली पर्वत मालाओं की श्रृंखलाओं को नष्ट करवाने में लगी है। क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है। उनका कहना था कि शेखावटी के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन नीम का थाना क्षेत्र में कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा। उन्होंने सीकर हुंकार रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का न्योता दिया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल का खंडेला, खंडेला मोड़, चौकड़ी, चला झड़िया, सिरोही सहित नीम का थाना पर जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। कपिल अस्पताल से ऊंट, घोड़े और गाजे बाजे के साथ वे रामलीला मैदान के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने 51 किलो के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया।